सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज फिर से रूटीन से जैसे वीडियोज आ रही हैं, आज काफी सारा पशुधन एक डिमांड के अनुसार आप मानिए तोकड़ बाकड़ी भैंसे ताजी, और पहले भी भाई के यहाँ से एक वीडियो कवर कर चुके हैं, काफी अच्छी जोटी दिखाई थी पहले ब्यात की जो पंजाब के बायर आए थे यहाँ से परचेज की थी और काफी अच्छा रिस्पांस वहां से आया है। तो आज इस वीडियो के बारे में आपको बताएं, पशुधन के बारे में पूछें, संपूर्णतः जानकारी दें। उससे पहले जितने भी भाई जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रेगुलर वीडियोज हैं वो आप तक पहुँचती रहें, और एक अच्छे पशुधन का सिलेक्शन करके हमारे पशुपालक भाई जो है पशुधन खरीदना चाहें तो वो साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो आज आपको फिर से मिलवाते हैं, डिटेल से एक एक पशु के बारे में जानकारी लें, उससे पहले ओनर से मिलवाएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अपना शुभ नाम बताइए भाई। सौरभ कोडान। और गांव? गांव कबलाना। डिस्ट्रिक्ट अपना झज्जर ही लगता है। झज्जर। कितनी दूर पड़ता है झज्जर से, कौन से रोड? 6 किलोमीटर दूर है झज्जर से, 6 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ रोड के ऊपर। बहादुरगढ़ रोड पे। तो आज कितने पशु दिखा रहे हो? आज जी एक तो मेल काफ है, अच्छा 18 महीने का जी, और साथ में एक बाकड़ी भैंस है 6 महीने की प्रेग्नेंट है। टोटल पशु कितने दिखाओगे? पशु है जी अपने पास 5। 5 पशु जी। तो क्या कुछ डिटेल है इस जो आप ये मेल दिखा रहे हो बुल जो है? इसकी माँ के नीचे जी फिलहाल 18 किलो दूध है, अभी तैयार है। हाँ जी, फिलहाल इसकी माँ के नीचे 18 किलो दूध तैयार है जी। 17 महीने इसकी एज हो चुकी है जी, और इसकी नानी के नीचे भी 22 किलो दूध तैयार है। 22 किलो। और ये सीमन का है? कैसे सीमन का है जी? कौन से सीमन का है पता है कुछ? ये नहीं पता जी, एचएल डीबी के सीमन का है जी। जी एक बार खोलना इसको। तो 17 महीने एज है? हाँ जी 17 महीने एज है। 17 महीने एज है जी। बुल की जो हाइट है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिल्कुल छोटे सींग का, और कलर है वो भी बिल्कुल जेड ब्लैक। उस साइड ले चलो भाई। और जो है काफी सारे पशुपालक हैं जो काफी सारी भैंसे रखते हैं अपने डेयरी फार्म पे, उनके पास लगभग भैंसे हैं वो रिपीटर हो जाती हैं और वहां पे एक बुल की जरूरत होती है, लेकिन जो बुल है वो काफी कम पशुपालक दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसान साथी अच्छा बुल परचेज करेंगे तो लगभग जो भैंसे हैं वो काविंग करेंगी और रिपीटर नहीं होंगी, तो एक लॉस का सिस्टम नहीं होगा। अच्छा जो रिकॉर्ड इसकी मदर का बता रहे हैं 18 किलो दूध आज भी मौके पे तैयार है, और जो पीछे की ब्लड लाइन है इसकी जो माँ की जो माँ है वो भी अच्छा दूध निकाल रही है। कलर की बात करें, साइज की बात करें, कटड़े का बहुत ही अच्छा है। ले चलो बांध लो भाई। बिल्कुल छोटा सींग और लंबाई ऊंचाई तो बहुत ही ज्यादा है, प्योर जो मुर्रा नस्ल का ये कटड़ा आप देख पा रहे हैं। काफी सारे पशुपालक हैं वो फोन भी कर रहे थे कि हमें मेल चाहिए, लेकिन हम जो है ताजी भैंसे रखते हैं इस करके कम लेके आते हैं। भाई ने कहा कि एक बुल परचेज किया है हमने एक अच्छी ब्लड लाइन का, तो कोई भी किसान साथी लेना चाहे वो इनसे संपर्क भी कर सकता है। आगे एक बाखड़ी भैंस जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड मार्केट में रहती है तोकड़ बाखड़ी की, क्या कुछ डिटेल है भाई साहब? ये हमारे फर्स्ट लैक्टेशन में भी हमारे पास थी जी, सेकंड लैक्टेशन में भी। फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 14 किलो दूध दिया था जी, और अब सेकंड लैक्टेशन में इसने 18 किलो दूध दिया है जी। किसी समस्या के कारण ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी जी, तो ये आज 1.5 साल की ब्याही हो चुकी है जी। जी जी। और 6 महीने की प्रेग्नेंट है जी, और फिलहाल 5 किलो दूध दे रही है जी। जी लंबे टाइम तक काफी अच्छा दूध निकालती है जी। जी खोलना भाई इसको भी। 6 महीने की चेक पास प्रेग्नेंट है, और इनके पास जो दूध का काम है डेयरी पे अगर भैंसे रहती हैं तो लंबे टाइम तक वैसे भी प्रेग्नेंट जो है करवाने की कोशिश कम ही रहती है, और उसके कारण अभी 1.5 साल की ब्याई हुई भैंस भी आज भी दूध दे रही है। 6 महीने की चेक पास प्रेग्नेंट है, बहुत ही हैवी साइज, पीठ पुट्ठा काफी अच्छा, और 18 किलो दूध जो है इनके पास, अंदर ले चलो, 18 किलो दूध जो है इनके पास रूटीन में इतने लंबे टाइम निकाला है। अभी फिलहाल कितना दूध है भाई साहब? 5 किलो दूध है जी फिलहाल। कोई भाई अगर लेना चाहे तो थन चेक पास अब भी कर सकता है, और गबन की आपकी गारंटी होगी। गारंटी अपनी चेक पास कराओ दोबारा। जी जी। तो 18 किलो दूध जो है काफी लंबे टाइम तक निकाला, और अभी तीसरी बार काविंग करेगी, 6 महीने की चेक पास है, बहुत ही हैवी साइज जो है इसके शरीर का, बहुत आप मानिए जब इकट्ठी भैंसों में पशु रहता है तो उतनी जो है शारीरिक ग्रोथ नहीं कर पाता, लेकिन अभी ये दूसरी डेयरी पे लेके आए हैं अलग से रख रहे हैं, तो और भी
जो है पशु हैं इनके पास, तो बाखड़ी भैंसों के काफी फोन आते हैं, कोई पशुपालक लेना चाहता हो पास करके अपनी ले सकता है। आगे तीसरे नंबर पे एक ताजी भैंस है ये सौरव भाई, सेकंड लोकेशन है जी, जी फिलहाल 13 किलो दूध तैयार है, आज 10 दिन की ब्याई है, 10 दिन की ब्याई, खोल लो इसको भी, साथ में बच्चा क्या है, मेल काफ है जी नीचे, जी जी 13 किलो दूध अभी तैयार है, तो पिछले ब्याज की क्या कुछ रिपोर्ट है दूध? लैक्टेशन में जी 13 किलो दूध दे रखा है इसने। हाँ, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हो? उम्मीद कम से कम जी 15 किलो दूध हम कहेंगे। जी जी ये देखिए जी, सेम क्वालिटी, शरीर काफी अच्छी, और जो ऑर्डर की बात करें तो काफी साफ सुथरा, अभी 13 किलो दूध है, साथ में फीमेल काफ, मेल काफ है, 13 किलो दूध तैयार है, दूसरे ब्याज की जोटी ले आओ भाई साहब, और कण वगैरह बहुत ही साफ सुथरा, ये देखिए दांतों में 6 है, 6 दांत है जी, दांत भी आप देख सकते हैं, छठे दांत अभी तोड़े हैं, तो साइज भी अच्छा है और ब्यूटी यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ी लिस्सी है क्योंकि जो थोड़ी कमजोर भैंसें होती हैं वो अच्छा दूध निकालने में सक्षम हो पाती हैं। जी जी बिल्कुल ब्लैक टेल में, और जो इसकी ऑर्डर की क्वालिटी है देखिए जी, थनों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी, बिल्कुल पतली चमड़ी की है, और जो है सिंगल हड्डी की भैंस है, सिंगल हड्डी की भैंसें अच्छा दूध निकालने में कहीं ना कहीं सक्षम जो है देखने को मिलती हैं। नीचे से अभी दूध की टाइम भी नहीं हुआ, अभी लगभग 1 बजे के आसपास ये वीडियो दोपहर में कवर कर रहे हैं, शाम के टाइम जोटी और भी अच्छी बन के आएगी, और पिछली जोटी दिखाई या आज बात करें, सिलेक्शन लगभग अच्छे पशु का रहता है और जायज रेट में रहता है। आगे चौथे नंबर पे एक और भैंस है, ये भाई साहब चार दांत, 3 दिन की ब्याई है, भाई बात दी ज्यादा आपको दिख भी रही होगी जी जी वीडियो में, जी बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन की जोटी है जी, साथ में बच्चा क्या, फीमेल काफ है जी, फीमेल काफ जी जी, खाली कर चुके हो? हाँ जी खाली कर दिया जी। क्या कुछ दूध करी थी, कितना दूध से उठी है? कम से आइडिया है जी हमारा, 4.5 किलो दूध हमने निकाला था फीमेल काफ को छिका के, मानिए 10-1 किलो दूध से उठी, ये देखिए जी चार दांत जोटी, बिल्कुल छोटा सींग, और 10 किलो दूध से जो उठी है, अभी बाई उतार रखी है क्योंकि इस टाइम में मोस्टली जो पशु हैं वो बाई उतार देते हैं, और दूसरी जो बाई उतारता है दूध वाला पशु है वो ज्यादातर बाई है वो उतारता है, ले चलो उस साइड ले चलो, ये देखिए जी थनों की क्वालिटी, ऑर्डर इसका भी बहुत ही साफ सुथरा, यहाँ से देखिए आप जो बच्चे के लिए थोड़ा कर रही है, तो पहले ब्यात में काफी अच्छा जो ऑर्डर का विकास किया है, और लगभग 40-45 दिन तक जो दूध बनाने की जो क्षमता है वो पहले ब्यात की जोटी की रहती है। तो सौरव भाई चुवाई की कैसी निकली? चुवाई एक नंबर की चुवाई है जी, बढ़िया चुवाई है जी जी, कम से कम यादव साहब ये कम से कम 15 किलो दूध निकालना चाहिए जी, 15 किलो दूध कम से कम निकालेगी जी, 15 किलो दूध की जो उम्मीद कर रहे हैं, और ऑर्डर है वो देखिए अभी शाम के टाइम तक अच्छी भर के आएगी, थन भी बहुत अच्छा निकाला है, और साथ में फीमेल काफ है, लास्ट में एक काफी अच्छी जो मैं कहूंगा ब्यूटी वाली जोटी है, ये भाई साहब फर्स्ट लैक्टेशन है जी, अभी 4 दांत है जी, मेल काफ नीचे है, हाँ आज सुबह ये इससे खाली करी है, हाँ हाँ फिलहाल ये भी 10 किलो दूध के लम सम, यानी कि 9 किलो हमने निकाल के, हाँ हाँ इस 10 किलो दूध मान के चलो तो ये 10 किलो दूध से उठी है जी जी, ये जोटी भी कम से कम 15 किलो दूध निकालेगी जी जी, पहले ब्यात की जोटी 10 किलो दूध से खाली होती हुई नीचे से बहुत ही साफ सुथरी, ये देखिए जी ऑर्डर की जो क्वालिटी है वो टाइट लेवे की और बिल्कुल फिट साफ सुथरी बहुत ही ज्यादा, सींग क्वालिटी काफी अच्छी, और जो टाइट ऑर्डर की भैंसें हैं वो दूध निकालने में भी कहीं ना कहीं ज्यादा सक्षम मिलती हैं, सींग फेस आप मानिए आगे से बिल्कुल शो क्वालिटी की है, थोड़ी लिस्सी भैंसें हैं क्योंकि डेयरी के हिसाब से जब दूध वाली भैंस होगी वो थोड़ी कमजोर ऑटोमेटिकली मिलती है, नीचे से चारों थनों में चाहे पीछे के थनों का स्पेस हो या आगे से स्पेस बिल्कुल बराबर, सफाई नीचे की बहुत ही अच्छी है जी इस जोटी में, और 10 किलो दूध इसके साथ में कटड़ी, इसके साथ में मेल काफ है जी, मेल काफ तो 15-15 किलो दूध का जो दोनों पहले ब्यात की जोटियां इनका दावा है दोनों निकालेंगी, और जो है तोकड़ बाखड़ी भैंसे या बुल का क्या रेट रखा है आपने? बुल का रेट रखा है जी 95,000 रूपए, 95,000 रूपए सॉरी 55,000 रूपए का देना है जी, 55,000 रूपए का, और जो भैंसे हैं लगभग मौके पे रेट होगा इनका दूध के हिसाब से करो, दूध के हिसाब से रेट होगा जी, तो अपना संपर्क सूत्र बताएं 7982 जी 8383 जी 1313 पिछली भैंस आपकी बिकी सरदार जी यहीं आए थे? हाँ जी यहाँ से आए थे, 2 टाइम मिल्किंग करके जब लेके गए थे जी जी, तो
क्या कुछ रिस्पांस रहा वीडियो का? अच्छा मिल रहा है जी। अच्छा तो काफी कॉल आई है, काफी एक दो बहस और भी गई है उसके बाद वीडियो के बाद। जी जी दो बहस और आई थी वो भी चली गई है। जी जी हाँ जी, वो भी आके मिल्किंग करके लेके गए हैं जी। जी जी तो जो भी किसान साथी पशुधन लेना चाहता है, इनका जो मोबाइल नंबर है वो रेगुलर स्क्रीन पे चल रहा है, इनसे संपर्क कर सकता है। काफी सारा जो पशुधन भाई ने दिखाया आज, अभी धीरे धीरे आगे जो ब्यांत है वो कम होता जाएगा और पशु जो है कम निकल पाएंगे। फिर भी प्रयास है कि आपको रूटीन से वीडियोज में 2-4-5 पशु दिखाएं और अच्छे दिखाएं, यही प्रयास है। पशु अच्छे भी कई तरीके से होते हैं, एक तो क्वालिटी की बात करें, दूसरा रेट। लगभग रेट में अगर पशु जायज होगा तो सभी के सभी पशु अच्छे ही होते हैं। बाकी जितने भी पशु दिखाए हैं साफ सुथरे हैं, कोई भी भाई खरीदना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। जितने भी पशुपालक जुड़े हैं सभी का वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद जी, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।